जो हॉट सीजन में भी अपने आप को ठंडा रखती है। मिड फॉरेस्ट ब्रेक और मिड मीन्स सेंटर पार्ट इन द हॉट सीजन, मतलब अपने आप को गर्म मौसम में भी वो ठंडा रखने के लिए क्या करती हैं, वो रील्स जो है छोटी छोटी नदियाँ साफ जो है वो क्या कर लेती हैं, कूलिंग कवर्ट मतलब अपने आसपास झाड़ियों को उगा लेती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक और मिड मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल का, ब्रेक मीन्स होता है जो वहाँ पे कोई भी दलदल से छोटी बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो दलदली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं झाड़ियाँ उस तरह की जो पार्ट है वो भी रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहाँ पे झाड़ियों के साथ साथ रिच विद मतलब बहुत ज़्यादा फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, अ स्प्रिंकलिंग मतलब अ स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत कम संख्या के साथ ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहाँ पर जो है मस्क रोज के जो फूल हैं वो भी उस जंगल के बीच में मिलते हैं। मस्क रोज होता है अ रोज विद लार्ज वाइट फ्लावर्स, वो रोज जो बड़े बड़े जो है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं उसको बोलते हैं मस्क रोज। तो यानी थर्ड स्टैंजा में फिर उन सब चीज़ों को सुंदर चीज़ों को दिखाया है कि सूर्य जैसे कि सन द मून ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं और सेडी जो है यहाँ पे बून है देती हैं जो ये पेड़ पौधे। उसके बाद क्या दिया गया दिखाया गया है सुंदर चीज़ों में, डेफोडिल्स दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड, वो हरा संसार यानी कि फॉरेस्ट। उसके बाद दिया गया यहाँ पे क्लियर रील्स मतलब वो छोटी छोटी साफ जो नदियाँ होती हैं। और नेक्स्ट दिया गया है वहाँ पे ब्रेक है फॉरेस्ट के बीच के अंदर और जहाँ पे मस्क रोज है, मस्क रोज के फ्लावर्स हैं। तो ये सारी सुंदर चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन बनता है पोएम में लिस्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स विच एक्सप्रेस बाय जॉन कीट्स, सुंदर जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्रेस किया गया जॉन कीट के द्वारा, उनकी लिस्ट बनाओ तो वो कौन कौन सी होती हैं, द सन द मून ये सारी की सारी आ जाएंगी। उसके बाद उन्हीं सुंदर चीज़ों को आगे जारी रखते हुए जॉन कीट्स जो है नेक्स्ट हमारे फोर्थ लास्ट स्टैंजा में बताता है एंसर्स टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और यही और भी है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स जो प्राइजेस हैं जो इनाम है किसी आदमी को उसके कामों के द्वारा जो मिलते हैं जो शान शौकत से भरे होते हैं विद प्राउड फील जो करवाते हैं ऑफ द डूम्स। डूम्स होता है गॉड्स फाइनल जजमेंट ऑन ह्यूमन बींग, आदमी के ऊपर जो भगवान का आखिरी जो जजमेंट होता है फाइनल जजमेंट कि किसी ने अच्छे काम किए तो उसको अच्छा मिलेगा उसका, अगर किसी ने बुरे काम किए तो उसका बुरा रिजल्ट रहेगा, मतलब उसको बोलते हैं डूम। कि जो शान शौकत है उस फाइनल जजमेंट की जो भगवान के द्वारा की जाती है, वी हैव इमेजिन जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं फॉर द माइटी डेड, उन हमारे जो भी हमारे माइटी डेड्स मीन्स होता है द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो सबसे शक्तिशाली और महान जो लोग हुए हैं उनके लिए यहाँ पे जो है माइटी डेड यूज किया गया है। तो वो माइटी डेड मतलब वो पावरफुल लोग हम उनकी कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा किया उनको क्या मिला मान लो कोई, तो अब हम यह करेंगे कि महात्मा गांधी थे देश जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे या फिर कोई महाराणा प्रताप थे उनको उनके साथ क्या हुआ उन्होंने क्या किया, अगर गांधी जी ने लड़ाई लड़ी तो उसका क्या रिजल्ट रहा आखिर में हमें आज़ादी मिली, इस तरह से जो हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है जॉन कीट के द्वारा कि और सुंदर चीज़ों में क्या क्या होते हैं जो शांत होकर जो भरी होती है फाइनल जजमेंट के द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं उन माइटी डैड्स को उन पावरफुल लोगों को जितने भी संसार में हुए हैं ऑल लवली टेल्स, और उनमें सुंदर चीज़ों में और क्या है सारे की सारी प्यारी जो टेल्स मीन्स स्टोरीज, टेल होता है स्टोरीज, जो स्टोरीज हैं दैट वी हैव हर्ड और रीड जो हमने या तो उनको सुना है उन कहानियों को और या फिर हमने उन कहानियों को पढ़ा है, यानी कि वो सारी सुंदर चीज़ों में आती हैं कहानियाँ भी जो हमने या तो खुद ही पढ़ी है या हमने किसी दूसरे से सुनी है। जैसे हम बड़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी से हम सुनते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारी की सारी क्या है एक ऐसा फाउंटेन एक ऐसा झरना जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंडलेस है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मीन्स नेक्टर उस अमृत के समान है उस अमृत के जैसा है वो, ये सारी की सारी सुंदर चीज़ें जो कि जॉन कीट ने दिखाया है।
पॉरिंग अन टू अस, जो हमारे ऊपर जो है उड़ेल दिया जा रहा है, हमारे ऊपर डाला जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, उस स्वर्ग के, हेवंस मतलब पैराडाइज, स्वर्ग ब्रिंक मतलब एज किनारे से, यानी स्वर्ग के द्वार से, यानी भगवान के द्वारा, जो नेचर की चीज़ें हैं यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है कि जो जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं, जैसे सन द मून फ्लावरी बैंड्स, या फिर जो भी होते हैं यंग एंड ऑल ट्रीज, या फिर जो है यहाँ पे आता है रील्स डैफोडिल्स मस्क रोज, तो ये सारे के सारे क्या है कि ये एक एंडलेस जो है उस फाउंटेन के जैसे हैं, उस इमोर्टल ड्रिंक के जैसे हैं जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है स्वर्ग के किनारे से, यानी ये सारी चीज़ें हमें भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा हमें दी जा रही हैं। तो हमें इस जो हमारी पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें क्या दिखाया गया है कि हमारे लाइफ में कितनी भी उदासी हो, चाहे कितनी निराशाएँ हो, होपलेस हो जाए हम, पर हम जब भी कोई भी सुंदर चीज़, कोई भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टोरीज हो, टेल्स हो, उसमें पोइम्स हो, टेल्स हो, या फिर वहाँ पे हमारे लिए फ्लावर्स हो, या फिर रील्स हैं वाटर से रिलेटेड, या जंगल से, फ्लावर से, कोई भी सुंदर चीज़ हो सकती है वो, जो हमारे इस उदासी से भरे हुए लाइफ को, हमारे हार्ट को, से उस उदासी को दूर कर देती है। तो उसके बाद आता है कि इस पोइम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, या क्या राइम स्कीम है इस पोइम की, उसको हम अब डिस्कस करते हैं। रोक दो भी। तो अब हम करते हैं हमारी जो पोएट्री है थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसमें किस किस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है स्टेंजाज में। तो सबसे पहले थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या क्या सुंदर चीज़, क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं पोएट ने, उसमें क्या देती है हमें, इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या होता है, थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉर एवर, चांस विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी ये ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, ये हमारे ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी कि अब मान लो हम कभी कहीं गए हैं किसी भी जगह पे, टूर पे, घूमने के लिए कहीं पे भी कोई ट्रिप हमने की है, तो हम उसको याद करते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप ही वो खुशी देती है हमें, वो याद करते ही हम अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे माइंड में रहती है। चाहे हम किसी भी, अब शिमला गए हैं, कहीं मनाली गए हैं, कोई गोवा गया, कोई कहीं भी गया है, तो उसको हम जब भी सोचेंगे उस सुंदर चीज़ के बारे में जो हमने देखा है, तो वो हमें हमेशा खुशी देती है। वो होता है लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब ऐसी छाप जो कभी भी ना मिटे, वो हम कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ है उसके क्या क्या बेनिफिट है। एक है गुड स्लीप, हमें अच्छी नींद मिलती है। नेक्स्ट है बावर क्वाइट फॉरस, मतलब हमारे बिल्कुल छायादार जो कुंज तैयार करते हैं वो कौन को देता है हमें, ट्रीज ओल्ड एंड यंग जो भी हैं। उसके बाद स्वीट ड्रीम्स, हम गुड स्लीप होगी तो स्वीट ड्रीम होगा, अच्छी नींद आएगी तो स्वीट ड्रीम्स होगा, और गुड हेल्थ प्लस ब्रीदिंग, हमारी अच्छी जो है स्वास्थ्य होगा और अच्छी जो है पीसफुल हमें हमारी लाइफ होगी। उसके बाद आता है जो इसमें मिजरेबल चीज़ें दिखाई गई हैं पॉइंट के द्वारा, कि क्या क्या हमें जो हमारे लाइफ में, हमारे स्पिरिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें निराशा देती हैं, तो वो क्या क्या इसमें वर्णन किया गया। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें है मिजरेबल, जो है एक तो डेस्पोंडेंस मतलब होपलेस चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है ग्लूमी डेज, जो हमारे साथ बुरी कोई चीज़ हुई, घटनाएँ हुई हैं, तो वो दिन बुराई के, कोई किसी हमारे साथ लाइफ में कभी कोई अच्छी घटना नहीं हुई, तो वो ग्लूमी डेज, उदासी से भरे हुए दिन। उसके बाद है इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, आदमियों में जो है मानवता की कमी होना, डर्थ मीन्स लैक, कमी, और अनहेल्दी और डार्कन वेज, और वो और डार्कन मीन्स मिस्टीरियस, जो रहस्यमय होते हैं, जो उदासी से भरे होते हैं, वो ये सारे के सारे जो हैं चारों पांचों चीज़ें क्या दिखाई गई हैं, ये मिजरेबल होती, कष्टकारी होती है लाइफ को, ये हमेशा मिजरेबल से फुल ऑफ कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए पॉइंट ने क्या दिखाया है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वो सुंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं वो है हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। यानी जॉन केट्स ने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स जिक्र किया है इसमें पोएम में, फर्स्ट है द सन, द मून, अब सन मून को आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डैफोडिल्स होते हैं, सिप होती हैं,
ट्रीज होते हैं यंग एंड ट्री। अब मान लो यहाँ पे तो ये छोटा छोटा सब पौधे होते हैं इस तरह से, ये तो होते हैं अब यंग बोलो इसको आप, या इस तरह के जो होंगे तो इस तरह के तो यंग ट्रीज होंगे। और अब यहाँ पे इस तरह से अगर जो बड़ा हो जाएगा तो वो ओल्ड जो ट्रीज में आ जाए, तो यंग एंड ओल्ड मीन्स छोटे और बड़े हर तरह के पौधे, उसमें कोई भी छोटे से लेकर बड़े पौधे तक जो है हमें सब खुशी और छाया देते हैं। अब छोटे पौधे हुए छोटे इंसेक्ट्स के लिए छाया देंगे, बड़े हैं तो बड़ों को मिलेगी। अब छोटी छोटी झाड़ियों में कुछ कुछ जो छोटे छोटे जो जंतु होते क्रिएचर्स होते हैं वे अपने आप को छुपाते हैं, छाया में रहते हैं तो उसको छाया मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद क्लियर रेज, और वो जो स्ट्रीम्स होती हैं वाटर स्ट्रीम्स वो सारे क्या होती हैं हमारे लाइफ में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ब्यूटीफुल टेल्स होता है। टेल्स जितनी भी होती है जो हमने सुनी है या पढ़ी है, मतलब स्टोरीज जो होती है, तो यानी लिटरेचर भी एक सुंदर चीज़ में आता है चाहे हमने वो पढ़ा है या फिर सुना है। उसके बाद आते हैं पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेज यूज़ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यहाँ पे मानवता की कमी में, नोबल नेचर में मानवता की कमी, ये जो है पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार है। जब निर्जीव चीज़ को सजीव करके दिखाया जाता है तो वो बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी स्टेंजा में लगातार जब किसी दो वॉवल या कॉन्सोनेंट साउंड लगातार आती है तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। तो अलिट्रेशन नोबल नेचर, लगातार एन एन की यहाँ पे साउंड आई है तो ये यहाँ पे हुआ है अलिट्रेशन डिवाइस यूज पोएटिक। नेक्स्ट है माइटी डैड में हुआ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ दिए जाते हैं माइटी और डैड, माइटी तो मतलब वो शक्तिशाली जो लोग रहे हैं, डैड फिर साथ में मरे हुए, तो ये ऑक्सीमोरन यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। नेक्स्ट है इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक क्या है, यहाँ पे जो मेटाफर यूज़ किया गया है, मेटाफर होता है बिना लाइक और एज के किसी चीज़ को कंपेयर करना, तो सिमली होता है जब एज लाइक के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, इतना सुंदर एज स्वीट एज नेक्टर, ऐसे जो यूज़ होते हैं, तो इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, यहाँ पे मरे हुए लोगों के भाग्य उनके साथ क्या हुआ ये हम इमेजिन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है इमेजरी। आशा करती हूँ कि आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल के शेयर कर सकते हैं और मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।